हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली जीके चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान जीके के इंपोर्टेड क्वेश्चन जो 2020 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि आपने डेली जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जहाँ से आप इन क्वेश्चनों को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरे 100 क्वेश्चन है जो राजस्थान जीके के इंपोर्टेड क्वेश्चन हैं। राजस्थान पुलिस और पटवारी एग्जाम में ये इंपोर्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान का वह जिला जो अंतरजातीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है। ए ऑप्शन बीकानेर, बी जैसलमेर, सी गंगानगर और डी भरतपुर। दोस्तों, इसका आंसर श्री गंगानगर रहेगा। रेड कलर में दिए गए हैं वो इसके आंसर रहेंगे। तो दोस्तों, पीडीएफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आंसर आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन बी दिए गए हैं 4। तो दोस्तों, दो नंबर क्वेश्चन रहेगा, गंगानगर की जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्घाटन उद्यान और उद्यान भंडार में बदल दिया गया है, यानी श्री गंगानगर। बी चूरू, सी बीकानेर और डी नागौर। तो इसका आंसर ए रहेगा, श्री गंगानगर। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ए हनुमानगढ़, बी गंगानगर, सी झालावाड़ और डी सिरोही। तो इसका आंसर रहेगा, श्री गंगानगर में अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो होता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? ए पाली, बी झालावाड़, सी हनुमानगढ़ और डी गंगानगर। तो इसका आंसर डी रहेगा दोस्तों, गंगानगर। गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर गंगानगर रहेगा और ऑप्शन है बी बीकानेर, सी अजमेर और डी हनुमानगढ़। तो इनमें नहीं है, लेकिन गंगानगर में गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है जो गंगानगर में है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिकी कृषि फार्म कौन से जिले में है? ए उदयपुर, बी गंगानगर, सी बीकानेर और डी हनुमानगढ़। तो इसका आंसर गंगानगर रहेगा दोस्तों, सूरतगढ़ है वो गंगानगर की तहसील है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के कपास उत्पादक को प्रमुख जिले है, यानी ए अलवर भरतपुर, बी नागौर उदयपुर, सी गंगानगर और हनुमानगढ़ और डी कोटा और बूंदी। तो इसका आंसर सी रहेगा दोस्तों, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में है वो कपास उत्पादन होता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? तो ए बांसवाड़ा, बी जैसलमेर, सी बीकानेर और डी जालौर। तो इसका आंसर बी रहेगा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन रहेगा कि जिले में अकाल वुड फॉसिंग पार्क स्थित है? तो ए जैसलमेर, बी बांसवाड़ा, सी जयपुर और डी चूरू। तो इसका आंसर रहेगा जैसलमेर। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों स्पीड से इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, 100 क्वेश्चन है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए शॉर्ट में वीडियो बन जाए इसलिए स्पीड से बोला जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? ए रामगढ़ जैसलमेर, बी फलोदी, सी हनुमानगढ़ और डी जामसर। तो इसका आंसर रामगढ़ जैसलमेर रहेगा, जिसमें प्राकृतिक गैस आधारित उत्पादन परियोजना स्थित है। अगला 11 नंबर, तनोर देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी चूरू और डी नागौर। तो इसका आंसर जैसलमेर रहेगा, तनोट माता है वो जैसलमेर में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर, पटवो की हवेली किस शहर में है? ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी नागौर और डी बाड़मेर। तो इसका आंसर ए रहेगा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर किले को क्या कहा जाता है? ए सोरनगिरी, बी सोनार का किला और डी इन दोनों को और डी डी रहेगा इसको, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो जैसलमेर का किला है उसको सोरनगिरी दुर्ग भी कहते हैं और सोनार का किला भी कहते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा गया कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां ले जा सकती है? तो ए धौलपुर, बी जैसलमेर, सी अजमेर और डी बाड़मेर। तो इसका आंसर बी रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो जैसलमेर का किला है वो चढ़ाई में ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पर पत्थर की टांगें ही ले जा सकती है, क्योंकि टांगें है वो मजबूत चाहिए, इसलिए यहाँ पर पत्थर की टांगें बताए गए हैं। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ए बीकानेर, बी श्रीगंगानगर और सी जैसलमेर और डी जोधपुर। तो इसका आंसर सी रहेगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा, स्वांगिया माता किस क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी थी? ए जैसलमेर, बी उदयपुर, सी बीकानेर और डी बाड़मेर। तो इसका आंसर जैसलमेर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको आता होगा क्योंकि जैसलमेर है और इसके ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। यही ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए होंगे ताकि आप कंफ्यूज जल्द हो जाए। तो इसका आंसर जैसलमेर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? ए सीकर, बी बाड़मेर, सी नागौर और डी जालौर। तो इसका आंसर बाड़मेर रहेगा दोस्तों, बाड़मेर में है वो
लगभग तेल के कुएं भी हैं, पेट्रोलियम और गैस भी यहाँ पर है वो निकलती है, गैस के कुएं भी हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बाड़मेर में ज़्यादातर गैस के कुएं और पेट्रोल डीजल के कुएं हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन तीर्थ जैन तीर्थ है नाकोड़ा का संबंध किस जिले में। जो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ए जैसलमेर, बी जालौर, सी सवाई माधोपुर और डी बाड़मेर। तो इसका आंसर बाड़मेर रहेगा, क्योंकि प्राचीन जैन मंदिर नाकोड़ा है वो बाड़मेर में है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, कुदामलानी तहसील की जिले में स्थित है जहां केयर्न एनर्जी कंपनी के कच्चे तेल का विशाल भंडार खोज निकाला है। ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी नागौर और डी बीकानेर। तो इसका आंसर बाड़मेर रहेगा। अजरक प्रिंट कहां पर है दोस्तों, जोधपुर में या बीकानेर में या सीकर में या बाड़मेर में। तो इसका आंसर बाड़मेर रहेगा, बाड़मेर में ही अजरक प्रिंट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में है। ए जैसलमेर, बी उदयपुर और सी बाड़मेर और डी पाली। तो दोस्तों सर्वाधिक बकरियां है वो बाड़मेर में है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किराड़ू मंदिर कहाँ पर है, जोधपुर में या बूंदी में या बाड़मेर में या कोटा में। तो दोस्तों बाड़मेर में किराड़ू मंदिर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है। ए भरतपुर, बी टोंक, सी दौसा और डी करौली। तो इसका आंसर रहेगा करौली। अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। ए करौली, बी भरतपुर, सी सवाईमाधोपुर, डी धौलपुर। तो इसका आंसर करौली रहेगा, करौली। अगला 26 नंबर क्वेश्चन रहेगा, विश्व ख्याति प्राप्त राजगोपाल विजयवर्गीय का संबंध किस जिले से हैं। तो ए सवाईमाधोपुर, बी धौलपुर, सी भरतपुर और डी करौली। तो इसका आंसर करौली रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन 100 है इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन आप PDF से डाउनलोड करके ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, करौली रियासत की स्थापना किसने की थी। तो अर्जन सिंह ने की थी। राज्य में न्यूनतम लघु इकाइयां हैं, करौली में राजस्थान राज्य की पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉप्स के तहत हस्तगत हुई थी। तो सवाईमाधोपुर। करौली रियासत की कुलदेवी मानी जाती है केला देवी। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था, अदुकाश्मेर। बाबा रामदेव की माता का नाम क्या था, मैना देवी। बाबा रामदेव की रुणिचा में कौन सा पंथ शुरू किया गया था, तो कमड़िया पंथ। राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई थी, बाबा रामदेव की। अगला, बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं, तो राज साहेब पीर के नाम से मुसलमान इसका अवतार मानते हैं। छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। रामदेव जी के मेले में आकर्षण का केंद्र क्या है, 13 ताली नृत्य है। राजस्थान का रुणिचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है, तो सांप्रदायिक सद्भावना की। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम है वो नहीं है, इसका ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, बोमिया जी, बी तेजा जी, सी रामदेव जी और डी गोगा जी। तो इसमें गोगा जी का नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था, 1003 में। और गोगा जी की माता का नाम क्या था, बाछल। और सर्पदंश के अनुसार हेतु किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है, तो गोगा जी का। गोगा जी घोड़े का रंग कैसा होता है, नीला। श्री देवनारायण जी की को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं, तो विष्णु का। श्री देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था, स्वाई भोज। श्री देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था, पीपल दे के साथ हुआ था। वीर तेजा जी का जन्म नागौर के किस ग्राम में हुआ था, खड़नाल में। और नागवंशीय जाट परिवार में किसका जन्म हुआ था, तेजाजी का। वीर तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था, 1076 ईस्वी में। गायों के मुक्तिदाता तथा नागों के देवता के रूप में किस की पूजा की जाती है, तो तेजाजी की। तेजाजी के पुजारी क्या कहते हैं, घोड़ेला। वीर तेजाजी का विवाह किसके साथ हुआ था, पेमल के साथ। लाशा गुजरी की गाय मेर के मीरणों से छुड़ाने में अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी, तेजाजी ने। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, लीलन। वीर तेजाजी का मूल स्थान कौन सा है, सेदरिया। नागौर जिले के किस गांव में तेजाजी की समृद्धि मेला भरता है, पर्वत सर में। काला और बाला और कृषि कार्यों का उपकार देवता किसे कहते हैं, तेजाजी को। पापूजी घोड़ी का क्या नाम था, केसर कालमी। प्रसिद्ध लोक देवता पापूजी का जन्म कब हुआ था, 1279 में। पापूजी के पिता का क्या नाम था, धांदल जी। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है, तो दोस्तों पापूजी की। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आता है। पापूजी को किसका अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का। बाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है, पापूजी का। बाबा तल्लीनाथ का वास्तविक नाम क्या था, राठौड़ घागदेव। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था, मेड़ता में। चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किससे प्राप्त हुई थी, वीरवर कल्लाजी को। वीरवर कल्लाजी के गुरु का नाम क्या था, भैरवनाथ। योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान किस लोक देवता को था, कल्लाजी को। प्रकृति प्रेमी था, पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे, तल्लीनाथ जी।
और शकुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? हड़बू जी को। देव बाबा का मंदिर भरतपुर किस ग्राम में स्थित है? नगलाज जहाज में। मल्लिनाथ जी का मेला किस स्थान पर पड़ता है? सीकर में। मल्लिनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1358 में। वीर बिगा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जंगल प्रदेश में। दोस्तों जंगल प्रदेश है वो बीकानेर का क्षेत्र है। राजस्थान का कौन सा समाज वीर बिगा जी को कुल देवता मानता है, यानी जाखड़ समाज है वो बिगा जी को कुल देवता मानता है? भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर को किस जाति का इष्ट देवता मानते हैं? मीणा। वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर कहाँ पर है? साधु सातु में। सातु में दोस्तों सशस्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवता का था? वीर फत्ता जी को। बाबा झुंझार जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? राजपूत परिवार में। झुंझार जी का देवस्थान किस क्षेत्र वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी की। इनमें से कौन सा युगम पशु मेले से संबंधित है? ए तेजाजी पर्वत सर, बी रामदेव रामदेव रामदेवरा, सी बलदेव नागौर, डी मल्लिनाथ सलासर। तो इसका आंसर ए रहेगा, तेजाजी पर्वत सर नागौर में पशु मेले हैं वो लगते हैं, और सर्वाधिक पशु मेले है वो भी नागौर में ही लगते हैं। किस लोक देवता का बचपन गायों के बीच गुजरा था? तो इसका आंसर रहेगा पनराज जी। गोवंश की रक्षा के लिए हिंदू समाज के लिए किस लोक देवता का नाम अमर है? पनराज जी का। हरिराम बाबा का जन्म कब हुआ था? 1959 ईस्वी सन में। हरिराम बाबा के गुरु का नाम क्या था? भूरा। और एक करौली की यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी का क्या नाम था? केला देवी। किस लोक देवती के देवी के मंदिर में मंदिरा और जल का चरणामृत भक्तों की इच्छा अनुसार दिया जाता है? शिला देवी। करणी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? देशनोक में। राठौड़ की कुलदेवी था दुनिया में चूहों की देवी के रूप में किस लोक देवी को पूजा जाता है? तो करणी माता को। करणी माता मंदिर में सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा। किस जाति के लोग करणी माता में सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? चारण। चौहानों की कुल देवी किसे कहते हैं? जीण माता को। सीकर 7 कोस दक्षिण में खोसा गांव के पास पहाड़ियों पर किसका मंदिर है? जीण माता का। किस लोक देवी की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है? बड़ली माता। ओस वालों की कुल देवी कौन सी है? सचिया माता। लटियाल माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? फलोदी में। चारण देवियों की स्थिति को क्या कहते हैं? चरणा। राजस्थान में बिस्सा जाति की कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता। राजस्थान में किस जाति की विवाहिता वधु मेहंदी नहीं लगा सकती? बिस्सा जाति की। राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन रहेगा करणी माता, बी जीण माता, सी गेवर माता और डी आशापुरा माता। ये 100 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको डेली जी के चैनल सब्सक्राइब करना है तो नीचे एक लाल बटन दिया गया है, चैनल का नाम है उसके सामने, तो वो दबा देंगे आप तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके साइड में बेल आइकन का ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ से आप बेल आइकन दबा करके ऑल कर देना है नोटिफिकेशन, तो आपको सभी नोटिफिकेशन वो जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। दोस्तों PDF को डाउनलोड करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।